तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को करेंगे जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम तीन ऐसी मॉडल वर्ब्स को देखेंगे जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश में चार चांद लगा देंगी, जो आप अटक जाते हैं ना बीच बीच में कभी कभी सेंटेंसेस को बनाने में। तो आप यदि इन तीन मॉडल वर्ब्स को अच्छे से समझ लोगे तो आज के बाद कभी भी नहीं अटकोगे, जिसमें वुड, शुड और कुड। इनको हम बेसिक से एडवांस लेवल तक देखेंगे। यहां पर हम इनके साथ बी का इस्तेमाल देखेंगे, हैव का इस्तेमाल देखेंगे और सिंपली इनको किस तरह से यूज करते हैं वो भी देखेंगे। और इसके साथ साथ जब किसी मॉडल वर्ब के साथ हैव के साथ टू लगाते हैं तो उसका क्या सेंस होता है, ये सब कुछ भी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कुड हैव टू के बारे में। कुड हैव टू का मतलब होता है कि कोई काम करना पड़ सकता है, कोई काम प्रेजेंट में या फिर नियर फ्यूचर में हमें करना पड़ सकता है, वहां पर हम कुड हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको देखिए। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको कुड हैव टू का इस्तेमाल करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, यह है इसका स्ट्रक्चर सेंटेंस को बनाने का। एग्जाम्पल देखिए, उसे जाना पड़ सकता है, उसे जाना पड़ सकता है, तो इंग्लिश बनेगी ही कुड हैव टू गो, ही कुड हैव टू गो। अच्छा, यहां पर ही जो है आपका सब्जेक्ट है, कुड हैव टू आपका स्ट्रक्चर से आया है और गो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो इसलिए हमने लगाया नहीं है। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा यार उसे ना मैं अपने साथ लेकर जाता हूँ और हम शाम तक वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं यार उसे मत ले जाओ, उसे ना वहां जाना पड़ सकता है, यानी कि उसे कहीं पर जाना पड़ सकता है। अब यहां पर जो इसकी पॉसिबिलिटी का लेवल है ना, जो इस बात की होने की संभावना है वो थोड़ी सी कम है, इसीलिए हमने इसमें कुड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एक और देखिए, तुम्हें खेलना पड़ सकता है, इसका मतलब है कि यू कुड हैव टू प्ले, यू कुड हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना पड़ सकता है। नेक्स्ट है उन्हें देखना पड़ सकता है, तो हम बोल सकते हैं दे कुड हैव टू वॉच, दे कुड हैव टू वॉच। तो अब ये जो तीनों सेंटेंसेज हैं इनमें ही, यू और दे, ये तीनों आपके सब्जेक्ट हैं। कुड हैव टू, कुड हैव टू और कुड हैव टू, ये जो वर्ड्स हैं ये आपके स्ट्रक्चर से आए हैं। ठीक है, जो कि आपके पढ़ सकता वाले सेंस को निकाल रहे हैं, और गो और प्ले और वॉच ये इसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इस तरह से अपने सेंटेंसेज को आपको बनाना है। आगे से जब भी ऐसा सेंस आए कि किसी को कोई काम करना पड़ सकता है आने वाले समय में या नियर फ्यूचर में, तो आप कुड हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है वुड। देखिए, वुड जो है ना इसको हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, एक कि कोई किसी काम को करेगा, ठीक है, एक ये जो फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटी होती है ना उसको लेस पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए भी हम विल के स्थान पर वुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा वुड, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि उसने कहा वह करेगा, उसने कहा वह करेगा, तो हम बोलेंगे ही सेड दैट ही वुड डू, ही सेड दैट ही वुड डू, उसने कहा कि वह करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि किसी ने, आपके दोस्त ने आपसे बोला था, कल बोला था, मान लीजिए बीते हुए कल यस्टरडे आपको बोला था कि ठीक है मैं आपके काम को कर दूंगा। ठीक है, अब आप प्रेजेंट में खड़े होकर अपने किसी दूसरे दोस्त को बता रहे हैं यार उसने कहा था कि वो करेगा, यानी कि किसी ने फ्यूचर के बारे में कोई काम करने की बात पास्ट में कह दी थी, पास्ट में किसी ने कोई काम करने की बात कही थी कि वो आने वाले समय में फ्यूचर में इस काम को करेगा, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं वुड का। अच्छा, ये वुड ही क्यों लगा यहाँ पर, देखिए जब सेंटेंस आपका पास्ट में है, देखिए पहला वाला जो है पास्ट में ना, ही सेड, उसने कहा, है ना, ये पास्ट है, तो आगे हम यहाँ पर विल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर हमें पूरे सेंटेंस को पास्ट में ही बनाना पड़ेगा। प्रेजेंट और फ्यूचर ये दोनों तो एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन पास्ट कभी भी प्रेजेंट में और फ्यूचर में एक्सचेंज नहीं होगा। यदि सेंटेंस में पास्ट का पार्ट है तो आपको अगली जो हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट में ही बनानी पड़ेगी। ये तो आपने सुना होगा ना, विल का पास्ट वुड होता है, तो इसलिए यहाँ पर वुड का इस्तेमाल किया गया। राहुल आएगा, अब किसी ने मुझसे बोला यार राहुल कब की बोल रहा था आने की, मैंने बोला राहुल कल की बोला था कि वो कल आएगा, यानी कि राहुल कल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यदि उसकी पॉसिबिलिटी पक्की है, यानी कि ये बात पक्की है कि वो कल आ ही जाएगा, तब तो हम विल का इस्तेमाल करेंगे, राहुल विल कम, है ना, राहुल आएगा टुमारो या फिर टुडे, जो भी दिन है, तो राहुल आ जाएगा या कल आएगा, तब तो हम विल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हमें पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है, पूरी तरह से श्योरिटी नहीं है, तब हम विल के स्थान पर वुड का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। समझ में आ गया।
जैसे कि वह तुमसे मिलेगी। अब हमने यहां पर लिख दिया सी वुड मीट यू, सी वुड मीट यू, वह तुमसे मिलेगी। अच्छा, वह कोई कोई भी लड़की हो सकती है और उसने बोला था कि हाँ भाई मैं उससे मिल लूंगी। ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है कि वो पक्का मिलेगी आपसे, पक्का आएगी, तो आप यूज करोगे सी विल मीट यू, वह तुमसे मिलेगी पक्का। ठीक है, लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि भाई पक्का नहीं है, उसने बोला है पता नहीं आएगी या नहीं आएगी मिलने के लिए, तो तब आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है जो आने की उसको कम करके। अब आप अपने दोस्त से बोलेंगे ना सी वुड मीट यू, इसका मतलब होगा कि आपका दोस्त समझ जाएगा कि यार पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, उसने बोला है पता नहीं आएगी नहीं आएगी। लेकिन जब आप बोलोगे सी विल मीट यू, वह तुमसे मिलेगी, इसका मतलब है कि वो पक्की आएगी। ठीक है, इस तरह से आप वुड का इस्तेमाल करेंगे दो सेंसेज में। एक, कोई व्यक्ति किसी काम को आने वाले समय में या फिर फ्यूचर में करेगा, और एक फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा वुड हैव टू, वुड के साथ हैव टू। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम हैज टू या हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था, इसका मतलब हमने पढ़ा था कि कोई काम करना है, किसी व्यक्ति को कोई काम करना है, जैसे मुझे जाना है आई हैव टू गो, उसे पढ़ना है ही हैज टू स्टडी, है ना, ऐसे हमने पढ़ा था। लेकिन आपने एक बात ध्यान दी, यहां पर हम हैव टू का और हैज टू का इस्तेमाल उस सेंस में भी करते हैं जब हमें कोई फोर्सली किसी काम को करता है, या फिर हम किसी काम को फोर्सली हमें करना है, जरूरी है कोई काम करना, हम मजबूरी को दिखाना चाहते हैं, कंपल्शन को दिखाना चाहते हैं, तब भी हम हैज हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। तो वही वाला सेंस यहाँ पर है, वुड के साथ हैव टू यहाँ पर लगकर आ गया है। अब जब वुड के साथ हैव टू लगकर आया है, तो इसका यहाँ पर मतलब क्या निकला है कि किसी को कोई काम करना पड़ता होगा, किसी को कोई काम करना पड़ता होगा। अच्छा, आपका एक दोस्त है, और जो आपका दोस्त है ना, वो गया है बाहर पढ़ने के लिए, बाहर गया है कोई पढ़ाई वगैरह करने के लिए, अपनी डिग्री वगैरह लेने के लिए। तो वहां पर वो क्या करता है, वहां पर उसने एक हॉस्टल रूम ले लिया, ठीक है, और वहां पर वो हॉस्टल में रहता है। अब हॉस्टल में क्या प्रबंध है कि मतलब वहां पर खाना उसको खुद ही बनाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, अब आप अपने दोस्त को घूमने देखने के लिए जाते हैं, भी देख के आते हैं क्या काम करता है वो, कैसी पढ़ाई करता है, उसका हॉस्टल का रूम कैसा है। आप घूमने के लिए गए, आपने जब उसके घर में, आप उसके उस हॉस्टल में घुसे, और आपने घुसते टाइम देखा कि आपका जो दोस्त है वो खाना बना रहा है, बासन धो रहा है, बर्तन बांझ रहा है, ठीक है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है। अब आपका दिमाग खराब हो गया, आपने देखा यार इसे तो रोजाना करना पड़ता होगा, मतलब ये जो काम वो कर रहा है जो अभी आपने देखा, आपको ऐसा लगने लगा उसको देखकर, उसकी उस सिचुएशन को देखकर ऐसा लगने लगा कि इसे ये काम रोजाना करना पड़ता होगा, डेली करना पड़ता होगा। तो कोई काम करना पड़ता होगा, वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं वुड के साथ हैव टू का। समझ में आ गया। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा वुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, उसे जाना पड़ता होगा, उसे जाना पड़ता होगा, तो कैसे बोलेंगे, ही वुड हैव टू गो, ही वुड हैव टू गो। ही आपका सब्जेक्ट है, वुड हैव टू आपकी एक तरह से स्ट्रक्चर से आ गया है, और गो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तुम्हें खेलना पड़ता होगा, तो बोलेंगे यू वुड हैव टू प्ले, किसी को कोई काम करना पड़ता होगा, वुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें देखना पड़ता होगा, तो बोलेंगे दे वुड हैव टू वॉच, दे वुड हैव टू वॉच, उन्हें देखना पड़ता होगा। तो इस तरह से आप वुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को कुछ कोई काम करना पड़ता होगा, इस वाले सेंस में। समझ में आ गया। नेक्स्ट है कुड हैव टू, कुड हैव टू का मतलब है कि काम को कर सकते थे, कोई किसी काम को कर सकते थे, या फिर किसी के पास कुछ हो सकती थी, किसी के पास कोई वस्तु हो सकती थी, या फिर कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता था, कर सकते थे। अच्छा, यहां पर जो ये काम है ना, किसी काम को कर सकते थे, इसका मतलब है कि आपके पास एबिलिटी थी उस काम को करने के लिए, ठीक है, परंतु आपने वो काम नहीं किया। अब आप प्रेजेंट में खड़े होकर उसको मतलब सोच रहे हैं, और आप रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, यार मैं ना वहां जा सकता था, मैं ना उसे पढ़ा सकता था, मैं ना काम कर सकता था, है ना। तो इस तरह से आप कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका कुड के साथ हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। यहां पर जो आपको एक बात याद रखनी है कि किसी भी मॉडल वर्ब के साथ यदि हैव आता है, और उसके साथ यदि हमें वर्ब लगानी पड़े, तो हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, तुम वहां जा सकते थे, तो हम बोलेंगे You could have gone there. You could have gone there. तुम वहां जा सकते थे। You आपका सब्जेक्ट है, could have
ये आपका स्ट्रक्चर आया है, गो की थर्ड फॉर्म गॉन यहां पर है और देयर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गया नहीं कहीं पर, आपने उसको बोला था कि भाई वहां चले जाना, वो वहां पर गया नहीं, मन से नहीं गया। अब आप बोले यार तुम वहां जा सकते थे, अगर तुम वहां चले जाते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता है ना, यू कुड हैव गॉन देयर, तुम वहां जा सकते थे। तो कोई किसी काम को पास्ट में कर सकता था, वहां पर भी हम कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा देखिए, तुम्हारे पास कार हो सकती थी, यू कुड हैव अ कार, यू कुड हैव ए कार, तुम्हारे पास कार हो सकती थी, ठीक है, किसी के पास कुछ हो सकता था, वह यहां आ सकता था, तो हम बोलेंगे ही कुड हैव कम हियर, He could have come here, वह यहां आ सकता था। तो इस तरह से कोई किसी काम को कर सकता था या किसी के पास कुछ हो सकता था, आप यूज करते हैं could have का। नेक्स्ट है should have। should के साथ जब हम have लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी को कोई काम करना चाहिए था, किसी को कोई काम पास्ट में करना चाहिए था। अब जैसे कई बार आप बोलते हैं ना, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था, जब आप किसी को कोई सलाह देते हैं, एडवाइस झाड़ते हैं किसी को ऊपर, है ना, तब आप शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका शुड हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए कैसे, तुम्हें खाना चाहिए था, तुम्हें खाना चाहिए था, तो कैसे बोलेंगे यू शुड हैव ईटन, यू शुड हैव ईटन। उसे देखना चाहिए था तो बोलेंगे ही शुड हैव सीन, ही शुड हैव सीन। हमें बोलना चाहिए था तो बोलेंगे वी शुड हैव स्पोकन, वी शुड हैव स्पोकन, हमें बोलना चाहिए था। तो इस तरह से आप शुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी को कोई काम करना चाहिए था पास्ट में। अभी जितने भी काम यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, ये सब पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि पास्ट में ये सब काम करने चाहिए थे। अब जैसे मान लीजिए कि वहां पर आपकी किसी से लड़ाई हो गई थी, है ना, अब आपकी लड़ाई हो गई, अब आप वहां से चुप आ गए और घर आकर अपने घर वालों को बता रहे हैं ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ, उन्होंने मुझे खूब गालियां दी, मुझे खूब पीटा कूटा, मेरी लड़ाई हो गई, है ना। अब आपके घर वाले बोल रहे हैं तो तुम चुप क्यों रहे, तुम्हें भी तो बोलना चाहिए था, है ना, तो तुम्हें बोलना चाहिए था या फिर हमें बोलना चाहिए था, जो भी आप बोलना है। अब बोलेंगे वी शुड हैव स्पोकन या फिर यू शुड हैव स्पोकन, इस तरह से, ठीक है, तुम्हें देखना चाहिए था, ऐसे कैसे आ गए तुम बिना सामान को देखे, है ना, ही शुड हैव सीन, इस तरह से आप शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है, इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, ए टू जेड वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको मिलेगा, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर जरूर ज्वाइन करें। और इसका जो प्राइस है वो है सिर्फ 299, ठीक है, तो बाद में बढ़ भी सकता है, अभी मौका है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल मामूली सा प्राइस है, इतना तो आप एक रिचार्ज में खत्म कर देते हैं। और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुड बी, कुड के साथ बी का इस्तेमाल, कुड बी का मतलब होता है हो सकती है, हो सकती है, कोई चीज कहीं पर हो सकती है या कोई चीज अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, आप ऐसा बोलते हैं ना कई बार, यानी कि किसी चीज की अवस्था के बारे में बताने के लिए, किसी चीज के गुणों के बारे में बताने के लिए, किसी वस्तु की पोजिशन के बारे में बताने के लिए, स्टेट ऑफ बींग के बारे में बताने के लिए आप कुड बी का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड बी, और इसके बाद जो भी आपको बताना है ना वो आपको अदर वर्ड्स में लिख देना है। जैसे कि यह हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं इट कुड बी, इट कुड बी, यह हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए कि आपके घर में लग गया, क्या क्या लग गया, कुछ नहीं लगा, मान एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपके घर में निकल गया सांप, ठीक है, और आपके घर में सांप निकल गया और भैया वो गलती से आपके बेडरूम में घुस गया। अब आपने बस उसको ना बेडरूम में घुसते हुए देखा, आपको बेडरूम में ये नहीं पता कि वो कहाँ पर है, आपकी अलमीरा के नीचे है, बेड के नीचे है, टेबल के नीचे है, चेयर के नीचे है, मैट के नीचे है, और एलईडी के नीचे है, कहाँ पर है, अब आपको ये कन्फर्मेशन नहीं है पूरी तरह से, ठीक है। अब आप अंदर जाने से डर रहे हैं, भाई कहीं भी हो सकता है, गेट के पीछे भी हो सकता है ना, तो आप डर रहे हैं। अब आपके घर वाले अंदर घुस रहे हैं, लेके लठिया डंडा लेके घुस रहे हैं, अब आप देख रहे हैं भाई अभी भीतर मत जाओ, वो यहाँ भी हो सकता है, इट कुड बी हेयर, इट कुड बी देयर, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, इट कुड बी हेयर यानी कि वह यहाँ हो सकता है, इट कुड बी देयर वह वहां हो सकता है, यानी कि कोई चीज कहीं पर हो सकती है। अब आपको पूरी तरह से श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन भैया आपको डर लग रहा है
क्योंकि वो यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ होने की उसकी संभावना है। तो इस तरह से आप कुड बी का इस्तेमाल करेंगे किसी चीज की जब संभावना होती है कहीं पर। वह यहाँ हो सकता है, इट कुड बी हेयर, इस तरह से आप कुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कहीं पर हो सकता है, किसी की पोजीशन को बताने के लिए, स्टेट ऑफ बीइंग को बताने के लिए, उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, उसके गुणों को बारे में बताने के लिए कि वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है ना। आप ऐसा भी बोल सकते हैं ना, इट कुड बी डेंजरस, वह खतरनाक हो सकता है। इट कुड बी मतलब जो भी आपको आगे लिखना है, गुड वह अच्छा हो सकता है, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या रहा होना चाहिए, ये दोनों ही सेंसेस के हैं। मतलब किसी को कहीं पर होना चाहिए, ये भी शुड बी का मतलब है। किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए, ये भी शुड बी का मतलब है, ठीक है। किसी को कहीं पर होना चाहिए या कुछ कर रहा होना चाहिए, दोनों ही मीनिंग आपके शुड बी के हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको लिखना है शुड बी, उसके बाद आपके जो भी अदर वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। उसे घर पर होना चाहिए तो कैसे बोलेंगे, ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। नेक्स्ट है मुझे खेल रहा होना चाहिए, आई शुड बी प्लेइंग, आई शुड बी प्लेइंग, मुझे खेल रहा होना चाहिए। अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने देखा ऊपर तो हम किसी की स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहे हैं कि वो कहां पर है, कैसा है, क्या है, है ना। नीचे हम किसी कार्य के बारे में बता रहे हैं, प्लेइंग खेलने के बारे में बता रहे हैं। ऊपर देखिए कहीं भी खेलने का किसी काम का बात नहीं की गई है, है ना। उसे पढ़ रहा होना चाहिए तो बोलेंगे ही शुड बी स्टडिंग, ही शुड बी स्टडिंग। तो जब आपको किसी काम को कर रहा होना चाहिए, वहां पर तो आप शुड बी के साथ जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगाएंगे, और जब किसी को कहीं पर होना चाहिए वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आपको शुड बी के बाद उस जगह का नाम लिखना है जहां पर आप उसके होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब है कि करना ही चाहिए, किसी को कुछ या कोई काम करना ही चाहिए, आपके हिसाब से कुछ करना चाहिए, करना ही चाहिए, है ना। अब देखिए यहां पर जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड हैव टू आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए उसे जाना ही चाहिए तो बोलेंगे ही शुड हैव टू गो, ही शुड हैव टू गो। तुम्हें खेलना ही चाहिए तो बोलेंगे यू शुड हैव टू प्ले, यू शुड हैव टू प्ले। उन्हें देखना ही चाहिए तो बोलेंगे दिस शुड हैव टू वॉच। तो किसी को कुछ करना ही चाहिए तब आप शुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको बोलना है उसे जाना चाहिए तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ही शुड गो, आपको हैव टू को लगाने की जरूरत नहीं है, है ना। तुम्हें खेलना चाहिए यू शुड प्ले, तुम्हें देखना चाहिए यू शुड वॉच। लेकिन जब करना ही चाहिए, उसे जाना ही चाहिए तो बोलेंगे ही शुड हैव टू गो, उसे पढ़ना ही चाहिए ही शुड हैव टू स्टडी, तुम्हें खेलना ही चाहिए यू शुड हैव टू प्ले, उन्हें देखना ही चाहिए दिस शुड हैव टू वॉच। तो इसी तरह से आप शुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को कुछ करना ही चाहिए वाले सेंस में। नेक्स्ट है वुड बी। वुड बी का मतलब है कि कोई कहीं पर होगा, या फिर कुछ लोग किसी काम को कर रहे होंगे, या फिर कर रही होगी, इन सेंसेज में आप वुड बी का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड बी आएगा, और फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। वह घर पर होगा तो बोलेंगे ही वुड बी एट होम, ही वुड बी एट होम। वो खेल रहे होंगे तो बोलेंगे दे वुड बी प्लेइंग, दे वुड बी प्लेइंग। वह पढ़ रही होगी तो बोलेंगे सी वुड बी स्टडिंग, सी वुड बी स्टडिंग, वह पढ़ रही होगी। इस तरह से आप वुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई कहीं पर होगा या कोई किसी काम को कर रहा होगा, ठीक है। दोनों ही सेंसेज में आप वुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है वुड हैव। वुड हैव का मतलब है कि किसी ने कोई काम कर लिया होगा, या फिर कोई किसी काम को कर चुका होगा, वहां पर आप वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि उसने खा लिया होगा तो बोलेंगे ही वुड हैव ईटन, ही वुड हैव ईटन, उसने खा लिया होगा। उन्होंने देख लिया होगा तो बोलेंगे दे वुड हैव वॉच्ड, दे वुड हैव वॉच्ड। वो पढ़ चुके होंगे तो बोलेंगे दे वुड हैव स्टडीड, दे वुड हैव स्टडीड, वो पढ़ चुके होंगे। इस तरह से आप वुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई किसी काम को कर चुका होगा या किसी ने कोई काम कर लिया होगा। तो चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं। वो मॉडल्स सीख रहा होगा, वो मॉडल्स सीख रहा होगा। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।